subscribe, like, comment, share. Like, comment, share. And more. दिख रहा होगा गिरते हुए, ये डैम है, डैम का नाम गया जी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एक नए ट्रिप पर और वहाँ पे आप मेरा ट्रिप देखिएगा। तो आज हम जा रहे हैं बिहार, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। गया में पूरा भ्रमण करेंगे, जहाँ पे यानी कि गौतम बुद्ध का बोधिसत्व यानी कि प्राप्त हुआ था, तो वहीं पे आज जा रहे हैं हम। और देखते रहिएगा हमारे ब्लॉग को। तो चलिए, और कैसा है ज़रूर कमेंट भी करिएगा और वीडियो लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही ट्रिप और आती रहे हमेशा। तो चलिए, तो ये रहा गया जंक्शन का दृश्य यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं गया स्टेशन। इसके बाद बज रहे हैं अभी सुबह का, और अभी हम जा रहे हैं गया भ्रमण में। सबसे पहले जाएंगे विष्णुपद मंदिर का दर्शन करेंगे, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो चलिए, ये रहा इधर देख सकते हैं पूरा गया जंक्शन, आपको दिख रहा होगा बैक साइड में। और चलते हैं आगे, विष्णुपद दर्शन कर लेते हैं। इसके बाद महाबोधि टेम्पल भी देखेंगे, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने बोधिसत्व को प्राप्त हुआ था, विष्णुपद मंदिर। इसके बाद यहाँ से 4 किलोमीटर है, और बारिश अभी हल्का हल्का हो रही है, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन चलते हैं वहीं पे, तो ऑटो लेना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना ही खूबसूरत यहाँ पे तैर रहे हैं, ये पता नहीं हंस हैं या बत्तख हैं, ये सरोवर। और अब यहाँ पे जस्ट ही पहुँचने वाले हैं श्री विष्णुपद मंदिर, इसके बाद आपको दर्शन कराएंगे। तो ये देखिए, तंग गलियों से होकर के जाना पड़ेगा निरंजना नदी के तट पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब पहुंच चुके हैं हम निरंजना नदी के तट पर, और यहाँ पे आजकल ऐसे सीजन में आए हैं जहाँ पर कि बारिश का मौसम है और नदी में पूरा पानी भरा हुआ है। वैसे तो यहाँ पे पानी सूख जाता है और मौसम में, लेकिन अभी बिल्कुल ही यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से है। ये देखिए रही निरंजना नदी और यहाँ पे देखिए श्रद्धालु लोग आते हैं, यहीं पे पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम भी होता है। और ये देखिए सारे का यहाँ पे, और नज़दीक से आपको दिखा दें, ये देखिए पूरा, और वो पुल है जो कि नदी क्रॉस करने के लिए है पैदल मार्ग। और ये देखिए पूरा रही नदी, और ये घाट, देव घाट इसे कहा जाता है, और आगे ब्रिज है। यहाँ पे देखिए देवघाट है, और जस्ट ऊपर उधर आपको भी जस्ट दिखाए थे विष्णुपद मंदिर, तो वहाँ पे अभी जाएंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा पानी ओनी छीट लेते हैं, शुद्ध हो लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गया जी डैम, जो छोटा सा डैम बनाया गया इस नदी पे, इसके बाद ही यहाँ पे इधर पानी डूबा हुआ है पूरा। तो आगे चलते हैं, देखिए उधर में डैम है, वो भी हम पूरा घूम ही लेते हैं एक बार से, जल संसाधन भी। ये देखिए रहा ब्रिज, और ब्रिज पे ये है सीता ब्रिज जो आपको दिख रहा है, इस ब्रिज का नाम है सीता ब्रिज। ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का कि यहाँ पे भगवान राम अपने पिताजी का पिंड दान करने आए थे, तो सीता माता यहीं पे कर दी थी पिंड दान, तो वहीं पे यहाँ ब्रिज ये बनाया गया है। और ये देखिए डैम है, जो कि पानी आपको दिख रहा होगा गिरते हुए, ये डैम है, डैम का नाम गया जी डैम है। हालांकि ये बैराज है छोटा सा, लेकिन और ये देखिए है निरंजना नदी बिल्कुल ही प्रदूषित हो चुकी है, बहुत पानी से इसका बदबू आ रहा है, और ये नाली बिल्कुल, ये जो गया सिटी का जो है पानी, नाली वाला पानी सब इसी में छोड़ दिया गया है, जिसके चलते नदी बहुत ही प्रदूषित। तो आप लोग को हम यहाँ पे विष्णुपद मंदिर का ये ऊपरी हिस्सा दिखा सकते हैं, इतना ही यहाँ पे, क्योंकि फोन अंदर जाना अलाउ नहीं है। और यहाँ पे तो अब ये देखिए इधर सारे शॉप मिल जाएंगे, यहाँ पे प्रसाद और भी पूजा के सामान सारे मिलेंगे यहाँ पे टोटल। और ये देखिए है मंदिर का मुख्य गेट, प्रवेश द्वार यहाँ पे, ये देखिए मोबाइल घर उधर लगाया गया है। यहाँ पे देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है कि गैर हिंदू और हिंदू प्रवेश निषेध है यहाँ पे, ये देखिए।
यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है और कौन ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे देखिए फोन जमा करना होगा तो फोन जमा कर ही देते हैं। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं हर्ष मंगला गौरी मंदिर घूमने, तो यहाँ भी घूम लेते हैं पूरा एक बार इसके बाद। तो ये रहा मंगला गौरी मंदिर का सीढ़ी, तो चलते हैं यहाँ पे और आगे देखिए। तो फाइनली ये रहा देखिए माँ मंगला गौरी मंदिर। ये बहुत ही छोटी मंदिर है देखने में, लेकिन बहुत ही बड़ी शक्ति है इसमें और अंदर भी बहुत छोटा जगह है, दो चार लोग ही एक साथ रह सकते हैं। और ये रहा मेन मुख्य मंदिर, यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं गया से बोध गया की ओर और यहाँ से दूरी है उसकी 10 किलोमीटर। तो यहाँ से चलते हैं, बीच में ये सारे आपको गांव मिलेंगे देखने के लिए और उधर में आपको मिलेगी फल्गु नदी देखने को। ये बिल्कुल भी पानी नहीं है उसमें अभी। तो चलिए बोध गया पहुँचते, बहुत बारिश भी हो रही है हल्की। यहाँ आके तो पूरी ही बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है, रुकना पड़ा हमें। तो फ्रेंड्स बारिश खुलने के बाद ना ये देखिए हल्का हल्का अभी भी बारिश हो रहा है, लेकिन अब आ गए हैं बोध गया। तो अब चलते हैं महाबोधि मंदिर। तो ये देखिए है जूता चप्पल खोलने का जगह और यहाँ पे सब रख देना है, मोबाइल काउंटर निःशुल्क सेवा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे एंट्री करते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सीधे ये जो मंदिर है, ये वाला जो ये जूम जो हो रहा है, ये है महाबोधि मंदिर। इसके अंदर अलाउड नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसलिए वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। तो यहीं से आप देख सकते हैं और यहाँ पे एंट्री गेट और जगन्नाथ मंदिर है इसी के सामने बस। और तो आपको हम यहाँ से दिखाने का कुछ प्रयास करते हैं रिकॉर्ड अगर हो सकता है तो। ये देखिए रहा महाबोधि मंदिर और महाबोधि वृक्ष आपको दिख रहा होगा बाहर से। ये देखिए यहाँ पे तिब्बतियन मतलब मंदिर है, बोधि मंदिर। हर एक देश वाले यहाँ अलग अलग अपना सोसाइटी बना कर रखे हुए हैं कि आपने यहाँ के लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए ये चाइनीज है, ये भी बोधि मंदिर ही है। और भी कई देशों का मिलेगा, ताइवान, यहाँ पे देखिए ताइवान मंदिर आगे बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए चाइनीज मंदिर है जिसके अंदर गर्भगृह का मूर्ति यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरह। और सारे बहुत सारे देशों का मंदिर अलग अलग है, तो सबका अलग अलग है बाकी मंदिर सेम ही है। तो अपना टूरिस्ट जाएंगे तो एक आपको पुरातत्व संग्रहालय मिलेगा जो कि अभी बंद है फिलहाल। यहाँ सुबह यहाँ पर आपको मिलेगा 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। ये 10 रुपये का टिकट है, अगर आप यहाँ पे घूमना चाहो तो घूम लीजिए। बांग्लादेशी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बोध गया बिहार यहाँ पे है अंदर। और ये तो फ्रेंड्स ये देखिए एक और टेम्पल है, तो चलिए इसके अंदर थोड़ा सा प्रवेश कर लेते हैं। तो ये देखिए जो थाई टेम्पल है, इसका नाम है थाई टेम्पल। थाई कहने का मतलब है थाईलैंड से रिलेटेड है, तो ये थाईलैंड का है जो कि बहुत मंदिर है। ये देखिए कर्मा मंदिर है, कर्मा मंदिर। तो ये अष्टधातु निर्मित जो पात्र है वो ध्यान केंद्रित करने के काम आता है। इससे एक ध्वनि निकलती है जो विशेष तरह के आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। ये देखिए इसकी ध्वनि इस तरह से आपको सुनाई देगी। और यहाँ के देखिए आगे मार्केट है, जो यहाँ पे इस तरह से बुद्ध की अच्छी अच्छी प्रतिमा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देख सकते हैं और भी सामान यहाँ पे। मंदिर तो बहुत सारे हैं लेकिन अब हम यहाँ पे नहीं घूम सकते हैं क्योंकि ये बहुत दिन भर पूरा आज घूमे ही है। तो यहाँ पे एक लास्ट है, यहाँ पे विशाल मंदिर है, वो लास्ट यहाँ पे घूम लेते हैं, इसके बाद चलते हैं यहाँ से क्योंकि।
अब पूरा मेन एक चीज़ देखना है जो कि है बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जो बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है, उसी को हम लोग मतलब देखना जा रहे हैं देख करके। और यहाँ पे ये देखिए रही विशाल मूर्ति, इसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और ये देखिए विशाल प्रतिमा आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की। इसके बाद आपको नज़दीक से दिखा देते हैं हम इसमें। ये कहा जाता है कि 80 फीट की प्रतिमा बनाई गई है। ये एक मतलब हमें लगता है ऐसा एक जो वाराणसी सारनाथ में है सेम उसी की तरह यहाँ भी निर्माण किया गया है। वहाँ भी इतनी ही ऊंची एक प्रतिमा है बट वो खड़ी हुई है, यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये देख सकते बुद्ध भगवान 80 फीट ऊंची ये प्रतिमा है बिल्कुल। और देखिए अब चलते हैं प्रतिमा के नज़दीक में थोड़ा सा। ये देखिए तो ये बोध गया जो बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, यहाँ पे आप भी आइए और घूमिए, बहुत अच्छा जगह है। जितना घूमिएगा उतना ही कम लगेगा आपको। ये यहाँ पे ये देखिए जो 5 भिक्षुक थे जो गौतम भगवान के फर्स्ट बार में जिन्हें उपदेश सारनाथ में दिए थे, ये वही 5ों की प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। इस ओर भी है उस ओर भी है। तो ये आप काउंट कीजिए, हम यहाँ पे आपको फोकस करते हैं। ये देखिए टोटल। और यहाँ पे ये देखिए साइड से बुद्ध की प्रतिमा, यहाँ देखिए बुद्ध भगवान बुद्ध की, यहाँ पे आपकी लौ मिल जाएगी। यानी कि ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में। ये देखिए बहुत भिक्षुक दादा, अपना ग्रुप का जूता चप्पल एक जगह खोल लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं, जैसे कि ये है मलेशियन और भी बहुत चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, बहुत सारे देशों के यहाँ पे आते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि फॉरेनर टूरिज्म का बहुत ही बड़ा केंद्र है बोध गया। जल्द से जल्द अगर यहाँ से नहीं निकलेंगे तो फिर जाने में भी लेट होगा। और वैसे तो मतलब हमारी ट्रेन जो है वो नाइट में है 10 बजे के समथिंग में, तो उससे दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे चलते हैं घूमते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा बोध गया में सच में। यहाँ आइएगा तो आप भी भगवान बुद्ध में लीन हो जाइएगा, इतना तो फिक्स गारंटी लेते हैं। तो चलिए इनके आदर्शों को देखिए और खरीद देखिए। साइज बड़ा बड़ा पूरा है बिल्कुल अच्छा पूरा। यहाँ पे आए थे एक टी शर्ट लेने जो कि एक भी पसंद नहीं आ रहा है, साइज का है ही नहीं। तो चलते हैं अब यहाँ से फ्रेंड्स। तो आ गए फाइनली, अब पहुँच चुके हैं स्टेशन और है गाड़ी हमारी है, ट्रेन 10 बजे है। तो वेट करते हैं यहीं पे, तब तक तिरंगा झंडा आप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ट्रेन आ गई है, अब हम चलते हैं इसी से पकड़ लेते हैं और चलते हैं अब की ओर।